walking along the street of Anarkali, I found this place called Pakistan Bible Society. Chalo, let's go and explore. This is so overwhelming. यहाँ बहुत सारे यूनिक आर्टिफैक्ट्स देखने में मिल रहे which are of historical value. पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में एंटर हुई, आई वॉज रियली अमेज्ड. अभी हमारे साथ मौजूद हैं पादरी अज़र मुश्ताक साहब. ही इज द जनरल सेक्रेटरी डेजिग्नेट ऑफ द सोसाइटी. तो हम उनसे बात कर लेते हैं. So can you tell me about the significance of the society? ज़रूर. पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी जो है वो 1863 से इस जगह पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है. पहले ये ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी की एक ऑक्सिलरी के तौर पर काम करती थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इसका नाम पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी रखा गया. जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का ख़ास बुनियादी जो मकसद है, हम कलाम मुक़दस का तर्जुमा लोगों की मुकामी ज़ुबान में करते हैं ताकि लोग कलाम मुक़दस को अपनी मुकामी ज़ुबान में पढ़ सकें और समझ सकें. तो उसका मतलब है कि हर मुल्क में है, तकरीबन 156 ममालिक में जो है वो बाइबल सोसाइटी के दफातर हैं, और 200 से ज़्यादा ममालिक में जो बाइबल सोसाइटीज़ हैं वो उन तमाम दफातर से जो हैं वो अपनी खिदमात सर अंजाम देती हैं. इस वक्त जहाँ पर आप खड़ी हैं, ये पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में एक म्यूज़ियम है, और ये बाइबल म्यूज़ियम है स्पेशली. यहाँ पर तकरीबन 400 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें कदीम बाइबल मुक़दस के नुस्खा जात भी मौजूद हैं. That's amazing. तो हमारे सामने ये क्या है? ये क्यूटनबर्ग प्रेस का मॉडल है, और इसे क्यूटनबर्ग ने तैयार किया. ये जर्मनी में 1440 में उसने इसे तैयार किया, और 1450 में पहली बाइबल जो है वो इस प्रेस से जो है वो प्रिंट हुई. और अच्छा, ये यहां से प्रिंट हुई जी. और ये उसकी कॉपी है जो पेज इस प्रेस में से प्रिंट हुए. ओह वाओ, अमेजिंग. इस बाइबल म्यूजियम को देखने के लिए लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ दीगर ममालिक से भी आते हैं, और पाकिस्तान में से भी ना सिर्फ मसीही लोग जो हैं वो आते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो हैं वो दीगर मजाहिब के लोग भी जो हैं वो इस म्यूज़ियम को देखने के लिए आते हैं. और इसके साथ साथ हमारी बुक शॉप भी है, जहाँ पर बाइबल मुक़दस के नुस्खाजात मौजूद हैं, और लोग उन्हें अपने लिए ख़रीदते हैं और उन्हें पढ़ते हैं. और खुदा का शुक्र है कि हम यहाँ पर बड़ी खुशी के साथ और बड़ी आज़ादी के साथ अपनी खिदमत को कर रहे हैं. जिस रोया के तहत हम इस खिदमत को कर रहे हैं, हम हमेशा दुआ कर रहते हैं कि हम उसमें आगे बढ़ें, और हम इसके लिए अपने ख़ास तौर पर अपनी गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं उनकी सारी सपोर्ट के लिए जो हमें करते हैं. Indeed, Pakistan is a multicultural country where it embraces all types of religion and culture. This is definitely a hidden treasure of Anarkali Bazaar. Thank you so much for your great information. Thank you so much for visiting us. Have a nice day.